चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 15 मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 2 पार्ट गिवन थे, दोनों पार्ट मीन के लिए कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा था, मैं रिपीट कर देता हूँ एक क्वेश्चन को, कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, सेकंड केस इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। तो हमने मीन के लिए तो कर लिया था, अब चलो इसी को आगे करते हैं वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो देखिए कि पहले हमने एज्यूम तो क्या कर रखा था कि ये क्वेश्चन नंबर 20 ही है, ये एज्यूम किया हुआ था, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स 19 कॉमा 8 आर 20 ऑब्जर्वेशंस, ये एज्यूम किया था। फिर इसके मीन वाला पार्ट कर लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन कराते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, या स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे लिख के सीधा सिग्मा लिख देते हैं। तो देखो था क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस सिग्मा एक्स आई इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर। ये था फार्मूला सिग्मा का। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी होती तो फॉर्मूले में एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर और फिर माइनस में सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ये आ जाता। इतनी बात तो क्लियर है सभी को, ठीक। और एक और फॉर्मूला था, दूसरा क्या था कि एक्स आई माइनस, या चलो उसको भी वही बता देता हूं, इसकी जगह एक और था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर इसके आगे सिग्मा और डिवाइड में एन, किसी से भी कर सकते हैं। देखो इससे चाहो तो फर्स्ट का यूज कर लो, चाहो तो सेकंड का यूज कर लो। क्लियर है सभी को, तो हम फर्स्ट वाले से कर रहे हैं। देखो सेकंड से भी करके निकाल सकते हैं, हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट वाले को। देखो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो इस एन स्क्वायर को एक बार इसके अपॉन में किया तो ये ऐसे बन गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन, फिर माइनस सिग्मा एक्स आई और अपॉन में एन इस पूरे का होल स्क्वायर। इतने में किसी को कोई दिक्कत, बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एन स्क्वायर को एक बार इसके फर्स्ट जो टर्म है उसके डिवाइड में कर दिया, एन स्क्वायर को एक बार दूसरे के डिवाइड में कर दिया, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया दूसरे में। इतनी बात तो सभी को क्लियर। अरे बोलो बेटा, मुंह में दही जम गया क्या तुम्हारे, इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो नो डाउट सर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, अब आप ध्यान से देखो ये जो लिखा हुआ ना, ये सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई का मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू से लेके एक्स एन तक का सम और डिवाइड में एन, ये क्या होता है, ये एक्स बार होता है ना। थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख दिया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में एन और फिर माइनस में
एक्स बार और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा एक्स आई का मतलब ये हुआ डिवाइड में एन, और ये किसका फार्मूला, ये हो जाता है एक्स बार यानी मीन का फार्मूला। क्लियर? तो देखो इसको तो मिटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लेंथ के थोड़ा सा ज्यादा हमें स्पेस चाहिए सोल्व करने की। तो ये हो गया सिग्मा। तो अब देखो फर्स्ट कि सिग्मा बनेगा कैसे, वैल्यू में पुट करूं तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर का मतलब एक्स वन का स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स टू का स्क्वायर, डैश डैश फिर एक्स 19 इसका स्क्वायर, और फिर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में एन, एन कितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, फिर माइनस एक्स बार। एक्स बार कब, जब 8 था, जब 8 इंक्लूड था, 8 इंक्लूड था तब एक्स बार, तब एक्स बार देखो क्वेश्चन में गिवन है कितना है, ए जो इनकरेक्ट मीन दिया हुआ 10, तो यहां कर दिया मैंने 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस टाइम पे मीन भी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है इस टाइम पे, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया था वो भी क्वेश्चन में गिवन है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो ये हो गया 2। इसको मैंने ऐसे कर दिया, देखो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर डैश डैश प्लस में एक्स 19 का स्क्वायर डिवाइड में 20, फिर प्लस में 64 अपॉन 20 और माइनस में 10 का स्क्वायर। अब इसको बोल दिया इतने इतने को मैंने इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में, अगर फर्स्ट पार्ट व्हेन 8 इज ओमिटेड, अगर 8 को हम हटा दें तो क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा। अब जब 8 को हटा देंगे तो देखो सिग्मा क्या बन जाएगा, यहां तो बना x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर फिर लास्ट में x 19 का स्क्वायर, फिर डिवाइड में कितने, इस बार 19 है तो 90, फिर माइनस में x बार का होल स्क्वायर। अब x बार देखो आपको सुबह जो क्लास में कराया था उसका यूज करेंगे कि जब 19 को 8 को हटा दे तो मीन कितना आ रहा था, जब 8 को हटा रहे थे तो मीन कितना आ रहा था, देखो जरा वह वाली क्लास में कराया है ना कि अगर 8 को हटा देते हैं तो मीन कितना था, तो मीन था 20, कितना 20 नहीं, तब मीन आया था 10.1 आया था, है ना, तो यहाँ पे वो आएगा 10 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 10.1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि 10.1 क्यों किया, क्योंकि अगर 8 को हटा दें तो मीन हो जाता है 10.1, तो जो सुबह किया था उसका यूज किया हमने। अब आप देखो ध्यान से, ये जो मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन, इसमें इतने इतने की, देखो मैं जिसको अब रेड से करूंगा ना, ये एक्सप्रेशन इतना इतना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये, इसकी वैल्यू मेरे को इक्वेशन 1 से मिलेगी। इक्वेशन 1 से कितनी वैल्यू मिल जाएगी उसकी अगर निकाले तो, थोड़ा सा देखो इस पूरे की वैल्यू, पूरे 19 की भी नहीं हमें मिलेगी, इस पूरे की नहीं सॉरी, देखो थोड़ा सा इतने इतने की वैल्यू मिलेगी यहां से लेके x1 का स्क्वायर से लेके इतने इतने की वैल्यू बस। अब वो वैल्यू हम वहां से पुट करते हैं, तो देखिए इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो पहले तो दोनों तरफ स्केयर किया इस पूरे को, इक्वेशन वन में दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो इधर इस साइड में तो 4 हो गया, इस साइड में स्केयर रूट हट जाएगा, तो 4 फिर माइनस, देखो ऐसे बन जाएगा ये पूरा 4 फिर माइनस 64 अपॉन में 20 फिर प्लस में 10 का स्केयर,
और इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई फिर 20 डिवाइड में 19 और फिर माइनस में 10.1 का थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ इस पूरे को, ये सब कैसे आ रहा है। देखो ये जो है इसको यहाँ पर यहां सोल्व कर दो तो 4 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर फिर x19 का स्क्वायर डिवाइड में 20 फिर प्लस में 64/20 फिर माइनस में 100 हो गए। इन दोनों को इधर लाएंगे तो 4 - 64/20 प्लस में 100, इधर x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर प्लस x19 का स्क्वायर और डिवाइड में 20। तो फिर इस 20 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर इनटू में 20, ठीक है, यहां से ही हट जाएगा। इस पूरे की वैल्यू मिल गई हम, वो वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है, वो पूरी पूरी वैल्यू यहां पर पुट करी। देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x19 का स्क्वायर 4 - 64/20 प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 20 और डिवाइड में ये वाला 90, ये वाला 90 डिवाइड में -10.1 का और स्क्वायर। अब इसको हम सिंपलीफाई जो करेंगे तब हमारे पास पूरा का पूरा आंसर आएगा। अब आगे तो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो आप खुद करना। इसमें किसी को कोई दिक्कत बोलो। नो सर। नहीं ना डाउट किसी को, जैसे सिखा का आ गया रिप्लाई, नो डाउट सर। सर और जो बाकी आप मीन कराया था ना उसमें आंसर गलत आ रहा है शायद से सेकंड का। किसमें? सर पीछे आपका तो 10.2 आया था और बुक में पीछे अलग आंसर। मैं क्या दिया हुआ आंसर? यही है सर 10.2 ही है। एक पर एक काम करना, अगर कभी भी ऐसा डाउट होता है कैलकुलेशन करके देख लेना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। और करने के मेथड बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं मैंने जिस मेथड से किया है उसी मेथड से करो, थोड़ा सा अलग सिंपलीफाई करके भी किया जा सकता है। ठीक है एक बार और चेक कर लेना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़े हम। कर दो इसको क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है कि 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12,
देखो सेकंड पार्ट, व्हेन एट एच रिप्लेस्ड बाय 12। एट को हम किससे रिप्लेस करें, 12 से रिप्लेस करें। तो देखो ये इतना तो सेम ही रहेगा, इधर बन गया सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर प्लस में एक्स टू का स्क्वायर फिर एक्स 19 का होल स्क्वायर प्लस में 8 की जगह क्या आ गया 12 आ गया, 12 का स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइड में इस बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, इस बार 20 ही। फिर माइनस में जब 12 को कंसिडर किया जाएगा तो मीन कितना आ रहा है, तो वो देखो आप हमने पहले सोल्व कर रखा है, तब मीन आया था 10.2 आया था, तो यहाँ लिखेंगे उस केस में मीन आता था 10.2 का। इस बार इस पूरे में इसको ऐसे लिख दिया, देखो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर फिर प्लस में x19 का स्क्वायर डिवाइड में 20 फिर प्लस में 12 का स्क्वायर फिर डिवाइड में 20 फिर माइनस 10.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस बार वैल्यू पुट करें, देखो वैल्यू किस किस की आएगी, इस बार इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, ये जो रेड में लिखा हुआ है जिसको मैंने रेड वाले को मैंने ऐसे बॉक्स में बंद किया है, इस पूरे की वैल्यू क्या आई 4, पूरे की वैल्यू बनेगी 4 फिर माइनस में 64 अपॉन में 20 फिर प्लस 100। ठीक है, बस इतनी ही वैल्यू आएगी, फिर माइनस में प्लस में 12 का स्क्वायर अपॉन 20 फिर माइनस 10.2 का। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो उससे जो आएगा वो आंसर होगा करेक्ट अमाउंट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना, चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे कैसे ही करो, यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। चेंज कहाँ आया, फिर चेंज कहाँ आया बताओ, चेंज मतलब फर्स्ट में और सेकंड में पार्ट में चेंजेस कहाँ है, कि पहले वाले जब हमने 8 को हटाया था तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे उस केस में 19 हो गए थे जबकि टोटल 20 थे पहले, और इस बार 8 की जगह 12 कर दिया आप, जब 8 की जगह 12 कर दी है तो फिर कितने हो गए, जब 8 की जगह मतलब 8 को हटा के उसकी जगह 12 कर दिया तो ऑब्जर्वेशन वापस 20 हो गए। तो पिछले केस में जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें जो यहाँ 20 था, देखिए यहाँ इस 20 की जगह उसमें 19 था और एक ये नहीं था उसमें, ये दो नहीं थे, तो बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्या कर दूं इसको, चलो ठीक है फिर करते हैं। इसको मिटा रहा हूँ इधर वाले को,
फिर करते हैं। देखो पहले एलसीएम ले, कितने इतने में एलसीएम ले लिया हमने 20, तो 80 माइनस 64 प्लस में 2000 प्लस में 144, फिर माइनस 10.2 का। देखो पहले इतने इतने को सिंपलीफाई करें, देखो ये बन गया 80 फिर माइनस में 64, तो 16 प्लस में 16 कौन कलाकारी कर रहा है इसके अंदर? तो 16 प्लस 2000 प्लस 144 डिवाइड में 20, फिर माइनस में 10.2 का होल, और थोड़ा सिंपलीफाई करें, ये बन जाएगा 2160 डिवाइड में 20 फिर माइनस 10.2 का होल स्क्वायर, 5 6 हाँ ये तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 108 फिर माइनस 10.2 का। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 108 फिर माइनस में 3.96 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3.96। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे, देखो इसको यहां लिखा है मैंने रूट में 39 3.96, और ये स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 1.9 के आसपास, 38 का वही होता है, तो 1.9 के आसपास आएगा आंसर। क्लियर है सभी को? अब तो ठीक है, वन पॉइंट नाइन एट बनता है। थोड़ा सा और करूं मैं, 1.98 ये हो गया पूरा आंसर। अब बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को?
किसी को दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, सभी को समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो आप, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं स्क्रीन को। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो है क्वेश्चन नंबर 6 का, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। तो मैथमेटिक्स का मीन 42, फिजिक्स का 32, केमिस्ट्री का 40.9, स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो गिवन इन टेबल। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन 12, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 20। Which of the three subjects shows the highest variability in marks and which shows the lowest? Six question नहीं करना इसका मतलब। अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ा और फिर लगा कि हार्ड ऐसे छोड़ दिए, अरे ये क्या हो गया। असल में 16 जो 6 question है वो किससे relate कर रहा है, question number 6 है 15.3 से relate कर रहा है। ये 15.3 का क्वेश्चन है और 15.3 क्या है, इस बार कट गई इसलिए हमें पढ़ने नहीं, ठीक है, जिसमें सीवी निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है इसके अंदर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला जो है सारा का सारा पोर्शन एक्सरसाइज 15.3 में है और 15.3 हमने छोड़ दी, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहे 3 का से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना। अब एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखता हूँ फिर बताता हूँ 7 करना है नहीं करना। अगर उसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है ना जिस फेज में, वो हमें नहीं करना। व्हाई? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 15.3 में आता है और वो इस बार हटा दिया। हाँ, अगर ओनली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन का कोई क्वेश्चन है तो वो हमें करना है। एग्जाम्पल में भी आपको यही कंसिडर करना है कि जो बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं, अगर किसी एग्जाम्पल में ये पूछा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में या उसके बारे में ये पूछा है किसी में कि कौन सा डेटा हाईएस्ट होगा या लोएस्ट होगा, तो वो भी किससे बताते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ही बताया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी छोड़ने साल तो, और इसी साल तो हो आप इलेवंथ, नेक्स्ट ईयर थोड़ी हो, तो इस साल आपको ये क्वेश्चन नहीं करना इस टाइप। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज The mean and standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3 respectively. अच्छा, mean and standard deviation 100 observations है and mean of these 100 observations is 20 and standard deviation is 3 respectively. And a letter on it was found that 3 observations were incorrect. अब तो ये question करना होगा, क्यों? क्योंकि ये जैसा भी किया था ना उसी टाइप से आगे कहा कि जो 100 ऑब्जर्वेशन थे उसमें से 3 क्या थे, गलत थे, विच वर रिकॉर्डेड एज 21, 21 एंड 18। का फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट डेरिवेशन इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। अब ये अभी अभी जो क्वेश्चन किए ना उस जैसा क्वेश्चन, कैसे? पिछली बार कहा था कि एक ऑब्जर्वेशन 8 है जो करेक्ट हमने लिया, फिर उसके फर्स्ट पार्ट में कहा कि अगर 8 को हम हटा दें, ओमिट कर दें, तो बताओ मीन क्या होगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। और इस केस में इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, इसमें कहा कि 3 ऑब्जर्वेशन है जो गलत रिकॉर्ड किए, उनमें एक है 21, दूसरा 21 एंड 18। अगर इन तीनों को हटा दें तो मीन बताओ कितने हुँ? ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, नहीं सॉरी 5 था,
फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, अगर फिफ्थ आपको क्लियर है, सही समझ में आया है, तो यू कैन डू क्वेश्चन नंबर सेवन। पहले बताओ क्वेश्चन नंबर सेवन समझ में आ गया सभी को कि क्या करना है। का 100 ऑब्जर्वेशन थे, जिनमें से 3 ऑब्जर्वेशन है 21, 21 एंड 7। कहा कि अगर ये जब तीन ये और 97 और है, पूरे 100 का मीन तो कहा है 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3। फिर कहा इन तीनों को हटा दो तो बताओ मीन कितना होगा। ठीक है, तो देखो सिक्स तो करना नहीं है, अब आते हैं सेवंथ पे। तो लेट ऑब्जर्वेशंस आर एक्स वन एक्स टू एक्स 97। तीन कौन से हैं 21, 21 एंड 18। ये ठीक है, तो गिवन मीन कितना है इनका। मीन गिवन है हमें 20, तो इसका मतलब 20 इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू से लेके एक्स 97, फिर प्लस में 21, फिर प्लस 21, फिर प्लस 18 और डिवाइड में टोटल कितने 100। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 20 into 100, फिर माइनस ये 8, 9, 10, 2, 2, 4, 5, माइनस 60 इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू से लेके एक्स 97 इसकी वैल्यू आ। ठीक है, तो इसको बोल दिया अब हमने इक्वेशन नंबर वन। अब कहा कि अगर इनको हटा दें तो मीन बताओ। नाउ एक्स बार इक्वल टू इन सबको छोड़ दें तो मीन कितना होगा। तो यानी एक्स वन प्लस एक्स टू से लेके एक्स 97 और डिवाइड में टोटल टर्म्स कितनी होगी, टोटल टर्म्स भी 97 ही इसमें। तो इस पूरे की वैल्यू तो है हमारे पास 20 into 100 माइनस 60 डिवाइड में 97। तो ये कितने हो जाएंगे 20 into 100, 2000 माइनस 60, 2000 माइनस 60 हो गए 1940 अपॉन में 97। इसको जब अगर सोल्व करेंगे तो शायद 2 पे जा सकता है। देखो जरा 97 से, हाँ 2 पे जा रहा है, तो ये हो गया 20। इतना क्लियर सभी को। ये समझ में आ गया ना कि पहले देखो क्वेश्चन में कहा कि 100 ऑब्जर्वेशन थे, जिसमें से 3 तो थे 21, 21, 18, तो उनका मीन 20 गिवन था। फिर कहा कि इन तीनों को हटा दो तो मीन बताओ, तो हमने क्या किया उन तीनों को हटा दिया, तो x1 प्लस x2 से लेके x 97, टोटल टर्म्स 97 तो डिवाइड में भी 97। बस इस सम की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दी। यहां लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन वन। बोलो इतने में किसी को दिक्कत कोई? क्या हुआ, कम बच्चे रह गए, कहाँ चले गए भाई सब? अंकित, दीपांशी, मनदीप, नेहा, नितिन, पायल, शिखा, तुलसी, बस इतने ही, बाकी कहाँ है? आवाज आ रही है सभी को? और भी कम हो गए। पायल क्या कह रही है, उनको कोरोना हो गया। अच्छा
चलो ठीक है। ये तो हो गया कौन सा मीन तो फाइंड कर लिया। अब आते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। सर इनफ फॉर टुडे बेटा, ये इतना इतना बचता है। क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 7 ही तो है ना। हाँ तो एक काम करो फिर, ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये आपको खुद को निकालना है। सिग्मा स्क्वायर नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा निकालना है। जैसे हमने एक्स बार निकाला, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम उसी टाइप से इस क्वेश्चन में। तो अब ये बस ये बचता है सिग्मा निकालना। सिग्मा अगर आप खुद कर लोगे तो फिर हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये क्या होगी, कंप्लीट होगी। समझ में आ रहा है इसमें? ओके ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट है, यानी 15 चैप्टर पूरा कंप्लीट है। 15.1 ऑफलाइन में करा दी थी NC1 को, और 15.2 भी करा दी थी बाद में, 15.2 इस पे करा दी ऑनलाइन पे, 15.3 करनी नहीं थी, और 15 आज कंप्लीट होगी। बोलो अब किसी को कोई और डाउट हो, किसी भी इस क्लास में नहीं, मतलब जरूरी नहीं इसी में, किसी और में, किसी और टॉपिक में दिक्कत आ रही हो किसी को? या 15 में कोई क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम हो 15 में? ठीक है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम अगली जो कल जो क्लास आएगी उसमें हम करेंगे ये इससे आगे, यानी कौन सा कुछ प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सेकंड कितनी होगी?